तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस नहज पर पहुंचा दिया और उस नतीजे पर पहुंचा दिया कि अब तुम कभी कभी उजर नहीं सकते, इसलिए कि उजरता वो है जिसका वारिस है। मैं एक लफ्ज कहता हूं, तुम्हें अपने फर्श पर रखकर इमाम के हवाले करने की तैयारी का नाम अजादारी है। ये जितनी भी अजादारी हो रही है जहूर इमाम की तैयारी हो रही है। अरे मेरा लफ्ज हसीन था मगर मैं क्या करूं कि बात पहुंच नहीं है। कितनी तैयारी हो रही है, कोई भी कृषि के ऐलान करेगा मैं ईमानदार हूं। कैसे ईमानदार हो, कितना सोना है उसके पास? अगर पर्दे गए वाला सारी जरी हो तो सोना नीचे जाकर रख दे। किसकी इकोनॉमी अगर सारी जरी है वो जमा कर गया तो क्या होगा? इस मुल्क के पास इतनी चांदी है जितनी चांदी अलम के पंचों में है। बेदार रहिएगा, बेदार रहिएगा। किसके पास है? किसी के पास भी नहीं है। अब रह गई बात इनका वाइट हाउस, उनका वाइट हाउस क्या हाउस लिए कर रहा है? वो जिस मोहल्ले में उतरेगा उसके बाप का मकान है। मैं तवज्जो से दीजिएगा, बहुत तवज्जो से। उसके बाप का हाउस हर इमाम बाड़े में है, हर मोहल्ले में है। वो जब भी आगे किसी के बाप के घर में ही आएगा, अपने बाप के घर आएगा। अब क्या है, या हुसैन करो, मातम करो। मातम क्यों करे? तब मातम करना इसलिए जरूरी है कि वो आने वाला है, तुम्हारे हाथों को जंग में लग जाए। अरे मेरे जूना का सबक बन सकता था। हर साल क्यों? उसे एक नस्ल की जरूरत नहीं है, हर नस्ल की जरूरत है। मेरा गुंडा रायगा चला गया। एक आशूरा हर नस्ल को अपने आदर्श में लेता है। आज मैं दुनिया के हर पीएम से कहना चाहता हूं, उससे मत टकराना। इतने तुम्हारे वोटर नहीं है जिन्हें उसे कोशिश मत करना उससे टकराने का। यह अजीबो गरीब है, यह अजीबो गरीब है, यह अजीबो गरीब है कि हर आदमी की आंखों में खटक रही है ये पब्लिक। इनके ऊपर अपना नजरा गिरा रहा है। माफ कीजिएगा, ये हुसैन की मोहब्बत का मजमा है, किसी के तबर्रुक जमा करने के लिए नहीं आया। ये हुसैन मजमा इस मजमे को हुसैन लेके आया और इस मजमे को बस हुसैन चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए कि ये जानता है जब जब हुसैनी बनेगा तब तब इंकलाब को बर्पा कर देगा। जब ये नाइजीरिया में काबा होकर चुप न बैठेगा, ये दरिया मोहब्बत है, ये दरिया विलादत है, ये बहरे इश्क है, इसमें जमा होते चले जाओ। हुसैन ने आवाज दी, यजीद तू हार गया, मैं जीत गया, इसलिए कि करबला आते आते तेरा इरादा खत्म, मेरा इरादा शुरू। तू क्या और तेरी औकात क्या? आज के बाद तू सोचेगा मैं खत्म होता चला गया, मैं तुझे खत्म करता चला जाऊंगा और मैं शुरू होता चला जाऊंगा। तू देख, आज के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़ रहा हो तो तू सोचना कि तू जीता, और अगर मेरे अदादार बढ़े मुतवज्जे रहिएगा एक एक जुमले पर, आज के बाद अगर तेरे दरबार में ईंट लगे तो तू जीता, अगर मेरे इमाम बाड़े बने तो मैं जीता। मैं चुप होते हुए मजमे की तरफ देख रहा हूं। Oh, what?
ایک لفظ کہہ کر اپنے مسائل کی طرف آؤں گا اور بات کو تمام کروں گا. یہ دہلی ہے اور دہلی کی آواز دور دور تک جاتی ہے. میں آج اپنے اس مجمع سے کہتا ہوں سب کچھ کرنا مگر کسی کے ہاتھوں بکنا نہیں. کوشش کریں گے مگر عباس ایک ہی جملہ کہے